ओके हेलो स्टूडेंट्स सो दिस इज़ योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास एट आवर सेकेंड पार्ट एक्टिविटी टू सो नाउ लेट्स स्टार्ट आस्क योर फ्रेंड टू से एनी टू कंजिव नंबर्स कंजिव नंबर्स मिस होता है क्रमानुसार नंबर एट दो नंबर और अली इन जो नंबर हैं अपने फ्रेंड को कहो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर अपने मन में सोचे या लिखे अब इन दोनों नंबरों को मुंह जबानी अपने मुंह से ही क्या करना है क्या करना है अपने मुंह में ही बोले या सोचे एंड राइट द सम इन योर नोटबुक और इन दोनों का जो जोड़ होगा इन दोनों को जोड़ने के बाद जो इसका आंसर होगा उसको नोटबुक में लिखे फ्रेंड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स अब इन दोनों नंबरों का अपने फ्रेंड को कहो इन दोनों नंबरों का स्क्वायर नंबर निकाले एंड द स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर स्क्वायर नंबर अब ये कहो कि जो स्मॉलर ग्रेटर स्क्वायर नंबर है उससे स्मॉलर स्क्वायर नंबर को क्या कर दे घटा दे आफ्टर दिस शो द नंबर यू रोट इन योर नोटबुक टू योर फ्रेंड और इस नंबर को लिखने के लिए कहो जो पहले लिखा हुआ था और अभी जो लिखा हुआ है इन दोनों को देखो ध्यान से आर नॉट द नंबर द सेम क्या ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या लेते हैं फाइव लेते हैं है ना यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में ही वट डिड दैट हैपन क्या होगा यू कैन यू गेस हाउ दिस विल वर्क आउट लुक एट द फ्लोइंग पैटर्नस जैसे हमने एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था अपने दोस्त को दो नंबर अपने माइंड में सोचो या फिर मुंह से बोलो तो वो नंबर क्या है? Example, है क्या है फोर ठीक है हम ये मान के चलते हैं फोर और थ्री हमने सोचा क्रमानुसार नंबर पहले थ्री आता है फिर फोर आता है तो एक के बाद एक थ्री फोर सोच तक सोच सकते हैं हम हम फाइव सिक्स सोच सकते हैं ओके ठीक है हम क्या क्या सोच सकते हैं फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट ऐसे करके तो हमने सोचा थ्री एंड फोर तो थ्री और फोर को जब हम ऐड करेंगे यहां आप देखेंगे थ्री और फोर को जब हम ऐड करेंगे यहां थ्री और फोर को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर इसका आंसर सेवन आ जाएगा ओके ठीक है सो so, अब हम क्या करेंगे इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे है ना जैसा कि हमने अपने फ्रेंड को बोला था फोर ये फोर हमने सोचा था ठीक है तो ये हमने फोर का क्या निकाला स्क्वायर निकाला यहां फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर एंड हमने एक, एक और नंबर क्या सोचा था थ्री तो थ्री का स्क्वायर हमने यहां निकाल लिया दिख रहा है आप लोग को तो फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन और थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन ठीक है ओके तो जो दो हम नंबर सोचे थे उन दोनों का फिर हम स्क्वायर निकाल देंगे और दोनों को आपस में घटाएंगे बड़े नंबर से छोटे नंबर को तो सिक्सटीन में से नाइन घटाया तो हमारा आंसर क्या आया सेवन आया और फोर और थ्री को भी हम जोड़े तो क्या आया सेवन आया ठीक है समझ में आया एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमने क्या सोचा क्या सोचेंगे हम फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा फाइव ओके okay. फाइव प्लस सिक्स फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू कितना होता है कितना होता है इलेवन इलेवन होगा ठीक है सो so, अब हम क्या करेंगे फाइव का स्क्वायर करेंगे ठीक एंड सिक्स का स्क्वायर करेंगे ओके okay? यहां तक समझ में आया यस yes, नेक्स्ट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो ट्वेंटी फाइव इसको माइनस करना है है ना ठीक है सिक्स का स्क्वायर सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स ओके थर्टी सिक्स हो गया सो so, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा तो यहाँ थर्टी सिक्स ग्रेटर नंबर है यहाँ थर्टी सिक्स क्या नंबर है ग्रेटर नंबर है है ना तो थर्टी सिक्स माइनस हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव तो कितना आ जाएगा बताओ इलेवन क्या आएगा आंसर इलेवन ओके आंसर क्या आएगा इलेवन तो हमने शुरू में फाइव और सिक्स कितना होता है इलेवन तो आंसर हमारा सेम आ रहा है आंसर हमारा सेम आ रहा है ना आंसर हमारा सेम आ रहा है दिस इज द कॉन्सेप्ट ओके आई होप समझ में आ गया होगा तो वैसे ही और भी एग्जांपल है जैसे हमने सोचा नाइन और एट यहां पर दिया हुआ है नाइन और एट हमने सोचा ठीक है नाइन का स्क्वायर ये आप देखिए नाइन का स्क्वायर यहां एट एट का स्क्वायर है ना नाइन का स्क्वायर एटी वन हो गया ठीक है और एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर हो गया है ना इन दोनों को जब हमने आपस में क्या किया माइनस किया यहाँ आपस में माइनस किया तो कितना आया आंसर सेवेंटीन आया ओके और नाइन प्लस एट कितना होता है ये भी आपका सेवनटीन होता है ठीक है ये हमारा कॉन्सेप्ट है है ना इट मीन्स अगर हम कोई भी नंबर सोचते हैं और उसको प्लस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है वही आता है जो इसका स्क्वायर करने के बाद घटाने के बाद आता है ठीक है ओके जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं थर्टीन प्लस ट्वेल्व कितना होता है यहाँ थर्टीन प्लस टूवेल्व कितना होगा ट्वेंटी फाइव होता है ठीक है थर्टीन प्लस ट्वेल्व कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो यहाँ एक नंबर हमने क्या सोचा थर्टीन सोचा और एक ट्वेल्व सोचा है ना कंसेक्यूटिव नंबर है ना क्रमानुसार ट्वेल्व के बाद थर्टीन आता है ठीक है तो थर्टीन का हमने यहाँ स्क्वायर ले लिया फिर टूवेल्व का स्क्वायर ले लिया थर्टीन का स्क्वायर का आंसर कितना होगा उन उन दोनों को आपस में माइनस करना है ना इस बार प्लस नहीं करना है ठीक है थर्टीन का स्क्वायर का आंसर कितना होगा वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन कैसे करना है स्क्वायर निकालना है तो थर्टीन इंटू थर्टीन करेंगे तो 169 हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को आपस में माइनस किए तो आंसर क्या आया 25 आया ठीक है yes. आप को समझ में आ गया होगा ठीक है yes. यहां एक और पैटर्न है नाउ लुक एट द एग्जाम्पल बिलो अब ये नीचे वाले एग्जाम्पल को देखो है ना फिर से हमने क्या सोचा दो ऐसे नंबर लिए जो एक के बाद एक आते हैं जैसे थ्री फोर इस बार प्लस करना है स्क्वायर को ही प्लस करना है थ्री का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन होता है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है इन दोनों को आपस में जोड़े तो क्या आया ट्वेंटी फाइव आया क्या आया ट्वेंटी फाइव जो कि इसका स्क्वायर नंबर क्या निकलेगा एक्सपोनेंट में क्या निकलेगा फाइव का स्क्वायर निकलेगा है ना ठीक है सो दिस इज और भी ऐसे एग्जांपल है यहाँ यहां पर देखिए सिक्स सिक्स और एट सोचे है ना ठीक है क्रम के अनुसार नहीं लेना है आगे पीछे जो भी हम ले सकते हैं सिक्स सोचे हम एक एट है सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर तो थर्टी सिक्स प्लस प्लस सिक्सटी फोर कितना हो गया हंड्रेड जो कि टेन का स्क्वायर होता है तो इन इन सभी में आप कॉमन चीज देखिए थ्री के बाद फोर आया है ना और इन दोनों को जब हम सॉल्व किए तो क्या आया अगर हम यहां दो जो नंबर हैं वो क्रम के अनुसार ले रहे हैं कंजिव ले रहे हैं है ना थ्री लिए थ्री लिए ओके थ्री लिए हम थ्री लिए थ्री लिए तो थ्री का जो थ्री के बाद फोर आता है यहां थ्री फोर तो यहां उसका जो भी सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए थ्री फोर आगे क्या फाइव पाना चाहिए ठीक है ठीक yes. जो फाइव आया यहां सिक्स है ना यहां एट बोथ ऑफ इवन नंबर एंड एक छोड़ के लिए है सिक्स के बाद सेवन छोड़ दिए एट आया ए एट के बाद नाइन छोड़ देंगे है ना तो क्या आना चाहिए टेन आना चाहिए तो टेन का स्क्वायर आया है ना ये है कॉन्सेप्ट ठीक है मतलब सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर हम किए तो आंसर हंड्रेड आया और हंड्रेड क्या होता है हंड्रेड क्या होता है टेन का स्क्वायर होता है तो आगे का जो डिजिट है वो हमको मिल जाता है यहाँ पर ऐसा ही है यहाँ हमने फाइव लिया फाइव का स्क्वायर टूवेल्व का स्क्वायर ठीक है फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है ट्वेल्व का स्क्वायर वन हंड्रेड फोर्टी फोर होता है दोनों को हमने प्लस किया तो वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन आया है ना जो कि थर्टीन का स्क्वायर होता है तो फाइव का स्क्वायर प्लस टूवेल्व का स्क्वायर और यहाँ थर्टीन का स्क्वायर मिल गया ठीक इन सभी में क्या चीज है जो कॉमन है या फिर इसको हम क्या कहते हैं है ना इन सभी को हम कहते हैं यहाँ देखिएगा थ्री थ्री यहाँ थ्री फोर यहाँ फोर और आंसर जो आया सॉल्व करने के बाद वो फाइव है ना दे आर पाइथागोरल ट्रिपल ट्रिपलेट्स पाइथागोरल ट्रिपलेट्स इसको क्या कहेंगे हम पाइथागोरल ट्रिपलेट्स कहते हैं ठीक है यहां देखिए सिक्स सिक्स एट एट है ना फिर इसमें कॉमन क्या है जो कॉमन निकला आगे का डिजिट टेन निकला तो ये तीनों के तीनों पाइथागोरल ट्रिपलेट्स पाइथागोरल ट्रिपलेट ट्रिपलेट्स ओके okay, इसको यहाँ से पढ़ेंगे हम कैन यू फाइंड आउट मोर सच एग्जाम्पल क्या आप ऐसा ही और एग्जाम्पल निकाल सकते हैं यू विल फाइंड दैट इन एवरी एग्ज़ाम्पल थ्री इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ नंबर एंड ईच ट्रिपलेट हैज़ सम स्पेशल नंबर अगर हम ऐसा ही और एग्जाम्पल निकालें तो उसका थ्री डिजिट तीसरा डिजिट जो है वो जरूर निकलेगा और इन्हीं को ही हम ट्रिपलेट या तीन का जोड़ा कहेंगे जो स्पेशल होते हैं अपने में द स्क्वायर ऑफ द लार्जर ओके द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमाइनिंग रिमाइनिंग टू नंबर्स जो स्क्वायर होता है उसका जो सम होता है उसके बाद जो भी उसका आंसर आता है वो उसका स्क्वायर होता है सच नंबर आर नो अस पाइथागोरल ट्रिपलेट तो ऐसे नंबरों को हम पाइथागोरल ट्रिपलेट्स कहते हैं ट्रिपलेट्स मींस अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स लाइक ये ये थ्री फोर फाइव सिक्स एट टेन फाइव ट्वेल्व थर्टीन ये सब जो हमने यहां अभी निकाले ठीक है ये सब ठीक है तो इन नंबरों को हम पाइथागोरल ट्रिपलेट कहते हैं ठीक है तो आप भी ऐसे निकाल सकते हैं आपके लिए ये यह यहाँ दिया हुआ है ना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वेरीफाई वेदर वेरीफाई करिए कि ये नाइन फोर्टी और फोर्टी वन ये एक पाइथागोरल ट्रिपलेट है तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं पहले नाइन का स्क्वायर करेंगे फिर 40 का स्क्वायर करेंगे है ना 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 40 का स्क्वायर 6 आह uh, uh, 1000 600 uh, 600 होगा ठीक है इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो 1000 600 81 होगा जो कि 41 का स्क्वायर का आंसर होता है ठीक है 41 इनटू 41 तो वन सिक्स एट वन आंसर होगा जो कि इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद जब हम ऐड किए तब वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी वन आया ठीक है यस सो द नेक्स्ट तो इस तरीके से देअर फोर नाइन स्क्वायर प्लस फोर्टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी वन ऐसे करके हम लास्ट में लिखेंगे ऐसे ठीक है ये क्या है नाइन फोटी एंड 41 वन इज़ अ पाथागोरल ट्रिपलेट ऐसे करके हम ये अपना प्रैक्टिस वन जो है हम बनाएंगे तो ये आपका प्रैक्टिस वन पूरा का पूरा आप लोग का क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा आप लोग को कॉपी में बनाना है ठीक है अगर फिर भी कहीं पर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फोन कॉल करके मुझसे पूछेंगे ठीक है यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है देखेंगे क्या नोट है हाँ नोट आवर कंट्री नया अबाउ दिस ट्रिपलेट रिलेशनशिप मच ईयरलियर हमारा जो देश है हमारा जो कंट्री है इस ट्रिपलेट रिलेशनशिप को बहुत पहले से जानता था प्राचीन ज़माने से जानता था इट इज़ बिलीव्ड दैट इन सिक्स हंड्रेड बी सी एन इंडियन मैथमेटिशियन हमारे जो इंडियन मैथेमेटिशियन थे इसके ऊपर विश्वास रखते थे सिक्स हंड्रेड बी सी से है ना बी सी मीन्स बिफोर क्रिस्ट ओके okay. एक्स एक्सपुदयान एक्सप्रेस्ड इट इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड एक्सप्लैंड इट थ्रू मल्टी डिजिट नंबर बुधयान करके जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने एक्सप्रेस किया और एक्सपेंड किया और इसके साथ ये समझाया भी किस तरीके से समझाया मल्टी डिजिट के नंबर से इसको समझाया था कब सिक्स हंड्रेड बीसी समय से ही इसको जाना जाता था ठीक है सो द नेक्स्ट ओके सो द नेक्स्ट इज मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम नंबर्स अब हम नंबर से ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे नंबर से ही ये कैसे पॉसिबल है कोई एक नंबर ले लेंगे उसी से ही हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर टू हंड्रेड फिफ्टी टू है क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये कैसे पता चलेगा टू हंड्रेड फिफ्टी टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये कैसे पता चलेगा इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे क्या करेंगे बोलो क्या करते हैं ये नंबर जो है 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं टू फाइव है ना ये स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है आप लोग को दूसरे तरीके से बता रहा हूं ओके टू Five two अच्छा ऐसे करते हैं है ना two so, five two सो इसमें से भी नहीं बन रहा है ओके टू फाइव टू का प्राइम फैक्ट्राइजेशन निकालेंगे मतलब यहां से आप लोग ध्यान से देखिएगा टू फाइव टू टू वन जा ठीक है टू टू जा यहाँ फाइव है तो टू टू जा फोर होगा वन इधर चले जाएगा टू सिक्स जा टल्व ठीक है फिर इसको टू से करेंगे टू सिक्स जा टल्व टू थ्री जा सिक्स ओके okay, कितना आया यहाँ सिक्स है ना टू थ्री जा सिक्स ओ टू से नहीं जाएगा क्या से जाएगा तो थ्री से जाएगा थ्री टू जा सिक्स थ्री वन जा थ्री सो देर इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन सेवन बन जाए सेवन सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या निकला क्या निकला टू सॉरी टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन सो सेवन का एक पेयर नहीं बन पाया जोड़ा नहीं बन पाया सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बट इसी नंबर से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं कैसे देखते हैं एस यू हैव सीन इन द एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर टू दैट इन द मल्टीपल फैक्टर ऑफ टू फाइव टू टू हंड्रेड फिफ्टी टू इज टू एंड थ्री हैट पेयर है ना टू और थ्री का तो पेयर नंबर है ये जैसे कि ये टू और थ्री का पेयर नंबर है सेवन डिड नॉट हैव एनी पेयर सेवन का कोई भी पेयर नहीं है इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई द नंबर बाय सेवन अगर उस नंबर को सेवन से क्या किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो हमें वी वुड बी एबल टू गेट पेयर ऑफ ऑल द मल्टीपल फैक्टर तो हमें जो भी नंबर मिलेगा उसका हम मल्टीपल फैक्टर निकाल सकते हैं दिस मीन्स कहने का मतलब सेवन इज द लीएस्ट नंबर विच वैन डिवाइड और मल्टीप मल्टीप्लाइड बाई द नंबर टू हंड्रेड फिफ्टी टू विल मेक प्रोडक्ट और क्वाइटेंट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब ये जो सेवन है ये सबसे छोटा क्या है सबसे छोटा नंबर होगा 252 का जिससे हम या तो इस नंबर से हम क्या करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा उसका जो आंसर निकलेगा या फिर डिवाइड करेंगे तो जो भी उसका भागफल निकलेगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा नहीं समझ में आया ओके कहने का मतलब ये है कि टू फाइव टू इस नंबर का ये पूरे प्राइम फैक्टर हैं टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन सेवन का पेयर नहीं बना इसी सेवन से हम या तो डिवाइड करें है ना या तो क्या करें मल्टीप्लाई करें ठीक है क्या करें मल्टीप्लाई करें तो जो भी इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इसका आंसर होगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं सॉरी डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी इसका नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा गॉट इट समझ में आया समझ में आया यस yes. सो पल नंबर टू फाइंड आउट द लियस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाई सेवन ट्वेंटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर सेवन ट्वेंटी का लियस्ट नंबर लियस्ट नंबर हमको कैसे मिलेगा जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे है ना तो फैक्टर हमको मान लो निकल गया है ना हम निकाल लिए कितना निकला कितना निकला टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू चार है ना चार बार फोर टाइम टू निकले है ना थ्री इंटू थ्री और निकले तो एंड फाइव निकला है ना तो यहां पर आप देख रहे हैं फाइव का पेयर नहीं बन पाया तो हम क्या करेंगे सेवन ट्वेंटी को हम हाँ, क्या करेंगे हाँ क्या बोला है फाइंड आउट लिस्ट लिस्ट नंबर वन मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए तो इसको हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ठीक हो है क्या होगा आंसर फाइव जीरो हंड्रेड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये आप लोग तो चेक कर सकते हैं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों इसको चेक करेंगे चेक कैसे करेंगे ऐसे करके प्राइम फैक्टर निकालेंगे है ना ठीक है आप लोग निकाल के देखिएगा है ना ये आप लोग का होमवर्क है ठीक है ओके सो द एग्जाम्पल नंबर थ्री फाइंड आउट द लेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई वन फोर्टी विल मेक अ क्वाटेंट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वन फोर्टी में कौन से सबसे छोटे नंबर को हम डिवाइड करें जो कि उसका जो भी क्वाटेंट आए भाग फल आए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर हमको क्या निकला टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन तो यहाँ हम देख रहे हैं टू का तो पेयर बन गया फाइव और सेवन का नहीं बना तो हम क्या करेंगे फाइव इंटू सेवन करेंगे है ना दोनों का नहीं बना है फाइव इंटू सेवन कितना होता है थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव को हमको क्या कह यहाँ क्या कहा है डिवाइड करना है ना यहाँ डिवाइड करने के लिए कहा है ना कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले तो हम थर्टी फाइव से डिवाइड करेंगे

पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे फाइंड आउट द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको क्या निकालना है एक ऐसा square number निकालना है जो कि सिक्स और एट से कट जाए है ना? ठीक मतलब सिक्स से भी कट जाए हम जब डिवाइड करें तो और एट से भी कट जाए ठीक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना तो हम इसके लिए क्या करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले सिक्स और एट का कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो सिक्स और एट का कॉमन मल्टीपल क्या होता है एल सी एम क्या निकालेंगे एल सी एम कॉमन मल्टीपल मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एल सी एम कैसे निकालते हैं बताओ मालूम है कैसे निकालते हैं एल सी एम एल सी एम ऐसे ऐसे निकालते हैं ना टू yes. थ्री जा टू फोर जा है ना अब ये थ्री तो अपने से ही जाएगा फोर अपने से ही जाएगा तो क्या निकल गया हाँ टू से, से, से जाएगा टू से जाएगा टू से, से जाएगा ये निकल गया टू इंटू टू इंटू से टू हो गया दो से चार तो लिखूंगा ना इसको टू यहां होगा थ्री होगा है ना तो ये निकल गया टू टू जा, फो, फो टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल गया ट्वेंटी फोर निकल गया ठीक है यस yes. ओके okay. तो ये पूरे के पूरे आपके ट्वेंटी फोर उसका एलसीएम निकल गया और ट्वेंटी फोर का प्राइम फैक्टर टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री होता है तो यहाँ देखिए टू का तो पेयर बना टू और थ्री का पेयर नहीं बना ठीक है टू और थ्री का पेयर नहीं बना तो हम क्या करेंगे टू इंटू थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी फोर को फिर सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर तो वन फोर्टी फोर ऐसा लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिससे सिक्स जिससे सिक्स क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और एट भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये आंसर भी निकल गया है है ना ओके ट्राई दिस थ्री हंड्रेड का भाई जीरो जीरो का दुगुना कर दो है ना इसमें टू जीरो है इसमें, इसमें टू जीरो हैं, तो फोर जीरो हो जाएगा इसमें थ्री जीरो हैं तो सिक्स जीरो हो जाएंगे है ना फाइव का फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव है ना थ्री थ्री जा नाइन सिंपल वन वन जा वन ही होता है वन जीरो है तो इसमें टू जीरो हो गया सिंपल है ओके यस ओके नेक्स्ट नेक्स्ट सो दिस इज़ प्रैक्टिस है ना ये आपको प्रैक्टिस में ये आपका होमवर्क है ये आप लोग को बनाना है मैं स्क्रीन शॉट खींच के मैं आप लोग के मैं सेंड भी कर दिया हूँ है ना, ये आपको बनाने हैं और ट्राई करना है कि ये भी एक्सरसाइज वन पॉइंट वन भी आप बना लें है ना एक्सरसाइज वन पॉइंट वन ये पूरा का पूरा आप लोग बना लें जो नहीं समझ में आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा ओके ओके सो आवर क्लास इज ओवर ओके